हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की रीसेंट रशिया विजिट के बारे में, जहां पे ये सिटी ऑफ व्लादिवोस्तोक में गए। बहुत सी मेजर डील्स यहां पे साइन हुई, काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट थी। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आवर पेन ड्राइव कोर्सेज, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं studyiq.com से, और यू कैन कॉल दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ यूपीएससी परस्पेक्टिव से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर जीएस मेंस पेपर 2। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर मैं चाहूँगा आप सब लोग कमेंट सेक्शन में करें। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा देश कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता रशियन फेडरेशन के साथ। आपके ऑप्शंस हैं नॉर्थ कोरिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, सही आंसर वीडियो के एंड में आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो रिसेंटली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रशिया गए, रशिया की सिटी व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक आपको मिलेगा रशिया के फार ईस्ट रीजन में। ये एक दो दिन की विजिट थी सितंबर 2019 में। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये मैप है दुनिया के सबसे बड़े देश का बाय लैंडमास रशियन फेडरेशन। ये जो लाल पार्ट मैंने मार्क कर रखा है, ये है रशिया का फार ईस्ट रीजन। अब क्या है कि रशिया की जो आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखो, ये आपके सामने एक और अच्छा मैप है। यहाँ पे जो डार्क एरिया, मतलब कि रशिया की ज़्यादातर आबादी वहाँ पे रहती है, ये कोकाकस रीजन में। उसके अलावा यहाँ पर जो मॉस्को सिटी है, उसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पे ज़्यादातर इनकी आबादी रहती है। बाकी जो इनका फार ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे आबादी बहुत ज़रा कम है। आपको छोटे छोटे टाउन्स मिलेंगे, विलेजेस मिलेंगे, जहाँ पे आबादी 1,000-10,000 के आसपास है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये जो रीजन है, यहाँ पर वेजिटेशन ना के बराबर है, आप एग्रीकल्चर कर नहीं सकते। जो क्लाइमेट है बहुत ज़रा हार्श है, काफ़ी ठंड पड़ती है, मगर ये जो एरिया है रिसोर्स रिच है। यहाँ पे ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स के बहुत से भंडार हैं, और रशिया ये चाहता है कि इन रिसोर्सेज को वो टैप करे और वेरियस कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट की मदद से इसको एक्सट्रैक्ट करके बेचे और अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करे। और इसी फार ईस्टर्न रीजन में आपको मिलेगा व्लादिवोस्तोक का शहर, जो मैं आपको अभी मैप पे दिखाऊंगा। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के इतिहास में जिन्होंने रशिया का ये फार ईस्टर्न रीजन विजिट किया है। और मोदी जी के लिए भी रशिया के साथ जो इनका कनेक्शन है काफ़ी स्पेशल है। जब ये गुजरात के सीएम थे 2001 में, तब भी ये रशिया गए थे। रिसेंटली जब 2019 में ये फिर से रशिया गए, तो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि जब 2001 में व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, इतने कि ये भी कितनी अजीब बात है, पिछले 20 साल में इंडिया के 3 मेजर प्राइम मिनिस्टर्स आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, फिर मोदी जी आए। इस दौरान रशिया में सिर्फ एक ही आदमी ने पावर संभाली, व्लादिमीर पुतिन। तो खैर, जब ये 2019 में अब रिसेंटली रशिया गए, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया यहाँ पे कि जब 2001 में भी ये रशिया गए थे, तो व्लादिमीर पुतिन ने उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि ये बस एक चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी रैंक छोटी है। ही ट्रीटेड प्रीटी मच एवरी वन विद रिस्पेक्ट। और आज के समय भी एक पॉलिटिकल लीडर की जर्नी देखिए कि 2001 में एज ए चीफ मिनिस्टर यहाँ पे गए, आज 2019 में इनको रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिस तरीके से हमारे देश में भारत रत्न अवार्ड है ना, वैसे ही रशिया में अवार्ड है सेंट एंड्रयूज अपोस्टल अवार्ड। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे, यह है धरती और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ व्लादिवोस्तोक कहाँ पे है। हमको जाना होगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे आप देखोगे रशिया का जो ये रीजन है, यहाँ पे आता है व्लादिवोस्तोक। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है रशिया के फ्यूचर के लिए। देखिए, रशिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे पोर्ट, बंदरगाह नहीं है, और जो हैं भी वो साल के 8 या फिर 7 महीने बर्फ़ से कवर्ड रहते हैं, वहाँ पे आप बिजनेस नहीं कर सकते। व्लादिवोस्तोक में ये खासियत है कि 2005 से देखा गया है कि यहाँ पर बर्फ़ इतनी जमती नहीं है जितनी एक टाइम पर जमती थी। अब आप कह सकते हैं साल के 12 महीने ये आइस फ्री रहता है। ऑफकोर्स रशिया काफ़ी बार यहाँ पे आइस ब्रेकर शिप्स का भी इस्तेमाल करता है, मगर अब रशिया ने व्लादिवोस्तोक को साल के 12 महीने फंक्शनल बना दिया है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, जहाँ पे रशिया का जो पूरा पैसिफिक फ्लीट कमांडेंट की नेवी का, उसका हेडक्वार्टर भी आपको यहीं पे मिलेगा। और ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने व्लादिवोस्तोक में एक अलग से इकोनॉमिक जोन बना रखा है, और जो भी एक्सपोर्ट ये करते हैं चाइना को या फिर इंडिया को, ये व्लादिवोस्तोक के पोर्ट से ही होता है। क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर यहाँ पे इन पोर्ट से अगर कुछ भेजना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आर्टिक ओशन भी है, तो काफ़ी बार यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ होती है। तो इसलिए व्लादिवोस्तोक रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रशिया ये चाह रहा है कि व्लादिवोस्तोक को वो जल्द से जल्द डेवलप करें, यहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव करें।
अब ये करने के लिए रशिया के पास इतना पैसा तो है नहीं, रशिया की इकोनॉमी काफी तक चरमरा रही है और इनके पास सरप्लस में ऐसा नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं और एक सिटी को अचानक से खड़ा कर देंगे। तो व्लादिवोस्तोक की इन्वेस्टमेंट के लिए रशिया कोट कर रहा है दो मेजर कंट्रीज को, एक है चाइना और दूसरा है इंडिया। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सिंस रशिया और चाइना के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में बहुत हद तक इम्प्रूव हुए हैं, तो रशिया बेसिकली इंडिया को क्यों बुलाएगा व्लादिवोस्तोक और यहाँ पे फार ईस्टर्न रीजन में इन्वेस्टमेंट्स के लिए? देखिए, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। हालांकि रशिया खुश तो है कि चाइना बढ़ चढ़ के फार ईस्टर्न रीजन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और आप अगर पिछले कुछ चार साल में देखें तो टोटल 33 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है वेरियस रशियन कंपनीज़ ने, वहाँ की गवर्नमेंट कंपनीज़ ने इन्वेस्टमेंट करी है, और उनके बहुत बड़े प्लान्स हैं। चाइना चाहता है कि आने वाले टाइम में वो 50 बिलियन तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन द फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया। मगर इस सब में जो फार ईस्टर्न रीजन में लोग रहते हैं रशियंस, उनको काफ़ी हद तक नर्वसनेस फील होती है। नर्वसनेस इस वजह से क्योंकि चाइनीज़ बिजनेसेस की एक बहुत ख़राब रेपुटेशन है, जहाँ पे वो जाते हैं वो पहले उस एरिया में बहुत सारी जो मार्केट्स हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, फिर बहुत से चाइनीज़ वर्कर्स वहाँ पे जाते हैं, चाइनीज़ वर्कर्स वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे उस कंट्री में एक चाइनीज़ कॉलोनी बन जाती है। तो बेसिकली चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से रशिया के वहाँ पे जो लोकल्स हैं और जो वहाँ पे छोटे लीडर्स हैं वो काफ़ी हद तक कॉशस है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया किस हद तक कॉशस है रिगार्डिंग चाइना, कि रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं यूरी, इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि कोई भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट जो फार ईस्टर्न रीजन में होगा रशिया के, वहाँ पे 80% जो वर्कफोर्स है वो लोकल रशियंस की होगी, चाइनीज़ वर्कर्स सिर्फ 20% होंगे ऑफ टोटल वर्कफोर्स। तो रशिया बेसिकली ये चाहता है कि उनका फार ईस्टर्न रीजन डेवलप तो हो जाए, मगर इसके लिए वो सिर्फ चाइना पर डिपेंड करना नहीं चाहते। यहाँ पे उनकी इम्पॉर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर इसीलिए जो रीसेंट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम हुआ है व्लादिवोस्तोक में, हर साल व्लादिवोस्तोक में ही होता है, इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है। देखिए, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जैसे इसका नाम से पता लग रहा है, और इस फोरम में हर साल रशिया के प्रेसिडेंट किसी वर्ल्ड लीडर को बुलाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती है, और ये बेसिकली इस रीजन को डेवलप करने की बात करते हैं। तो इंडिया को 2019 में बुलाया गया है ताकि इंडिया यहाँ पे कुछ प्रॉस्पेरिटी लाए। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इंडिया को यहाँ पे कुछ लैंड परचेज करना है या फिर माइनिंग ही होगी। इनका यहाँ पे एक बहुत ही ब्रॉड व्यू पॉइंट है, ये मानते हैं कि यहाँ पे हाईवेज की कंस्ट्रक्शन से लेकर टूरिज्म, किसी भी तरीके से यहाँ पे खुशहाली आती है, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है। रशिया की जो वेस्टर्न साइड के लोग हैं वो प्रोत्साहित फील करते हैं कि हमको ईस्ट में भी जाना चाहिए। तो रशिया बेसिकली यहाँ पे यही चाहता है, और उसमें इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अगर मान लीजिए इंडिया आने वाले कुछ सालों में 15 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट कर लेता है, सरकारी और प्राइवेट दोनों, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास चाइना की तरह बहुत ज़रा सरप्लस है नहीं, तो हमारे पास इतनी लग्जरी है नहीं कि हम इकट्ठा 30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर ले, मगर सिर्फ 15 बिलियन की भी करता है तो रशिया को इसी से काफ़ी हद तक बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी। तो आज के समय रशिया का जो फार ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे ये सब मेजर इंडियन कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही है। एक तो है टाटा पावर, टाटा पावर ने यहाँ पर मेजर एक कोल प्लांट है उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, इंडिया तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बदले में हमारी कंपनीज़ को क्या मिल रहा है? रशिया ने यहाँ पर यह कहा है, हम आपको इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी देते हैं, हम ये आपको एश्योर करते हैं कि एक सर्टन पीरियड तक, हर प्रोजेक्ट की अलग यहाँ पे टाइम फ्रेम के हिसाब से काम होगा, मगर ऐसे होगा कि हर प्रोजेक्ट जो शुरू होता है वो एक सर्टन टाइम फ्रेम तक, 8 साल या 10 साल तक, उस पर किसी भी पॉलिसी चेंज का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मान लीजिए कल को व्लादिमीर पुतिन के अलावा कोई और प्रेसिडेंट बनते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं ये ख़राब है, इन पे टैक्स लगाओ, या फिर यहाँ पे जो वर्कर्स की संख्या है कम ज़रा करो, तो बेसिकली अश्योरेंस दे दी गई है इन कंपनीज़ को कि बहुत लंबे समय तक जिन शर्तों पर आपने एग्रीमेंट किए हैं वो एग्रीमेंट बने रहेंगे, और कोई जो पॉलिसी चेंज आता है सेंटर की तरफ से, रशिया की सेंटर की तरफ से, उनमें ये प्रोजेक्ट इम्पैक्टेड नहीं होंगे। तो इसलिए आज के टाइम में टाटा पावर, अगेन टाटा ग्रुप एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है इंडिया का, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स पोर कर रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल प्रोजेक्ट में। उसके अलावा कोल इंडिया ने रिसेंटली MOU साइन किया रशिया में फॉर कुकिंग कोल, ये भी मिलियंस की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं यहाँ पे रशिया में। और फिर ONGC विदेश ने भी यहाँ पर काफ़ी सारा लैंड एक्वायर किया है विद रशियन कंपनीज, जहाँ पे मिलके ड्रिलिंग करेंगे फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। फिर गेल इंडिया भी है, तो ये सब मेजर कंपनीज जो है, इसमें प्राइवेट कंपनीज भी है, उसके अलावा और कंपनीज भी है छोटे लेवल पर, यहाँ पे इन्फोसिस है और वेरियस कंपनीज यहाँ पे आ रही है, कुछ मिलियंस में कुछ बिलियंस में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इससे इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है रशिया के फार ईस्ट की डेवलपमेंट का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी होगा
कि क्या इन इन्वेस्टमेंट से बेसिकली हमारी कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। आप अगर देखें तो यहाँ पे ONGC, विदेश, गेल, ये सब प्रॉफिट मोटिव से ही आई हैं। यहाँ पे रशिया के जो रिसोर्सेज हैं इनको टैप किया जाएगा, हम एक्सट्रैक्शन करेंगे मिलकर, फिर इनको बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होगी यहाँ पे प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल ये वेंचर है फॉर इंडियन कंपनीज। इस सब के बीच में ये हो जाएगा कि रशिया के फार ईस्ट में काफ़ी अच्छी सड़कें, काफ़ी अच्छे पोर्ट्स, रेलवेज, वो सब डेवलप हो जाएगा। नाउ इन इन्वेस्टमेंट्स के अलावा रशिया और इंडिया ने एक और टारगेट सेट किया है $30 बिलियन के ट्रेड का। देखिए, मैं मानता हूँ कि रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है इसमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट ये है कि बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा कम है। इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स रशिया और इंडिया की आज के टाइम में एक दूसरे के कंट्री में $30 बिलियन की ऑलरेडी है, मगर जो ट्रेड होता है, हम उनसे क्या खरीद रहे हैं, वो हमको क्या बेच रहे हैं, डिफेंस के अलावा आप अगर देखें तो सिर्फ $10 बिलियन के आसपास है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। माना जा रहा था कि इसको 15 बिलियन तक कर देंगे, मगर बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर, ग्लोबल स्लोडाउन भी हो रहा है, इसकी वजह से ये अमाउंट हम ज़रा बढ़ा नहीं पाए। आज के समय में बस बेयरली 11 बिलियन के आसपास है ये। मगर दोनों जो कंट्रीज़ हैं बहुत ज़रा एम्बिशियस हैं, ये कह रही है कि आने वाले 6 साल में जो ट्रेड है हम इसको ऑलमोस्ट तीन गुना ही करके $30 बिलियन तक पहुँचा देंगे। इस पर देखिए एक मेजर कंपोनेंट होगा इंडिया की एनर्जी परचेजेस फ्रॉम रशिया। इंडिया आने वाले टाइम में कोशिश करेगा कि जो हमारी एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं प्राइमरली गैस की फॉर्म में, उसका मिनिमम 15% रशिया से आए। इससे बेसिकली हमको हेल्प ये मिलेगी कि मान लीजिए कल को ईरान या फिर कतर या गल्फ रीजन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं या कुछ और होता है, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे टाइम में रशिया से हमको अपनी एनर्जी की सप्लाई मिलती रहेगी और इससे रशिया इंडिया का जो ट्रेड है ये भी बढ़ता रहेगा। इस सब के बीच एक और एग्रीमेंट ये भी हुआ है कि व्लादिवोस्तोक शहर जो मैंने आपको दिखाया है, व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच में एक प्रॉपर फुल फ्लैजेड मैरिटाइम रूट सेटअप किया जाएगा। इससे बेसिकली रशिया और इंडिया आपस में ट्रेड कर पाएंगे रेदर इजीली। इसी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन ने एक स्टेटमेंट ये भी दी है कि इंडिया और रशिया आने वाले टाइम में जो ट्रेड करेंगे, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जो नेशनल करेंसी है उसी के हिसाब से ट्रेड करें। रशिया को भी ये काफ़ी तक सूट करता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में रूबल की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 रुपये के बराबर ही है। आप कह सकते हैं कुछ आई थिंक 8 या 9 पैसे का फ़र्क होगा बस, बाकी ऑलमोस्ट 1 रुपी 1 रूबल के बराबर है। तो रशिया काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है रुपी और रूबल में ट्रेड करने में। वो बेसिकली डॉलर को कम यूज़ करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव के लिए भी ये काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। अभी भी आप अगर देखें तो जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम रशिया से खरीद रहे हैं, इसकी पेमेंट हम डॉलर या फिर यूरो में नहीं करेंगे, इसकी पेमेंट होगी इन रुपीज़। इस सब के साथ एक MOU ये भी साइन हुआ है कि इंडिया हेल्प करेगा टू मैन्युफैक्चर स्पेयर पार्ट्स फॉर रशियन मिलिट्री गियर। ये किस स्केल पर होगा ये अभी बात की जाएगी, मगर ऑल टुगेदर आने वाले काफ़ी सालों तक जो स्पेयर पार्ट्स हैं, आज के टाइम में इंडिया की जो फैक्ट्रीज हैं इतनी इक्विप्ड हो चुकी हैं, उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड के साथ मिलिट्री के जो खास गियर होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, हम वो बना सकते हैं। तो रशिया के डिज़ाइंस की मदद से हम ये स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे और ऑफ कोर्स रशिया या वेरियस और कंट्रीज़ को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये डिफेंस सेक्टर के मेक इन इंडिया के लिए काफ़ी ज़रा अच्छी खबर है। उसके अलावा जो हमारा गगनयान मिशन है जिसमें अब इंडियंस को भेजना चाहते हैं अंतरिक्ष में, लो अर्थ ऑर्बिट में, उसमें रशिया भी हेल्प करेगा। रशिया ने यह कहा है कि जो आपके यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स या फिर जो हम कहते हैं गगनॉट्स होंगे, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। उस सब के अलावा वैसे आप देखें तो डिफेंस डील्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक पाइपलाइन में है। हम लोग बहुत सारे जो कमाव हेलीकॉप्टर्स हैं वो मिलके बनाएंगे, करीब 211 के आसपास कमाव हेलीकॉप्टर मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर बनने हैं। ये $3 बिलियन की डील होने वाली है। आपको पता होगा कि अमेठी में कलाश्निकोव राइफल्स बनने वाली है, ये राइफल्स हैं लाखों की संख्या में बनेगी। ये बांग्लादेश, म्यांमार, वेरियस कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे इंडिया रशिया दोनों को फ़ायदा होगा। उसके अलावा हम 4 फ्रिगेट्स खरीद रहे हैं रशिया से, इसमें हम यूक्रेन के भी कंपोनेंट्स लेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है अभी। इसमें से 2 जो फ्रिगेट्स होंगे उनके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इंडिया में असेंबल किए जाएंगे गोवा के पोर्ट में। फिर उसके अलावा बात की जा रही है कि प्रोजेक्ट 75I की जो सबमरीन्स हैं वो भी रशिया और इंडिया मिलके बनाएगा। ये ऑफ कोर्स अलग है, ये फ्रांस वाला प्रोजेक्ट नहीं है, एक और प्रोजेक्ट है उसमें फ्रांस हमारी हेल्प कर रहा है। आने वाला एक और प्रोजेक्ट है जिसमें हम अभी भी देख रहे हैं पार्टनर्स, उसमें रशिया एक काफ़ी अच्छा कंटेंडर बन के सामने आ रहा है। और उस सब के बाद ये भी बात की जा रही है कि हम मीडियम फाइटर्स फॉर इंडियन एयरफोर्स भी रशिया से खरीदने वाले हैं। तो काफ़ी यहाँ पर स्कोप है फॉर डिफेंस परचेजेस का। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो हर एस्पेक्ट में, चाहे वो मिलिट्री टाइज हो, और दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर रिसेंटली ये भी कहा है कि वो किसी भी
कंट्री को अपने इंटरनल अफेयर में कोई भी इंटरवेंशन नहीं देने देंगे। तो इससे बेसिकली रशिया ने यहाँ पर हेल्प किया है कश्मीर इशू को लेकर इंडिया को, और इंडिया ने भी दबे शब्दों में यहाँ पे क्राइमिया इशू को लेकर रशिया को थोड़ी सी सपोर्ट दे दी है। तो मैं कहूँगा ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी विजिट थी, काफ़ी पॉजिटिविटीज़ यहाँ पर सामने आई है। सो मच टू लुक फॉरवर्ड टू। इस वीडियो को इसी पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।